कैबिनेट में बदलाव चाहते हैं मोदी, नहीं मिल रहा रिप्लेसमेंट। न्यूज एजेंसी के मुताबिक मोदी सरकार की इमेज बदलने के लिए पीएम कुछ मंत्रियों को हटाना चाहते हैं, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट ढूंढने में उन्हें परेशानी हो रही है। कैबिनेट में अभी 66 मंत्रियों की टीम है। केजरीवाल को डीडीसीए का जवाब, करप्शन होता तो कोहली टीम के कप्तान नहीं होते। डीडीसीए के वाइस प्रेसिडेंट चेतन चौहान ने कहा है कि अगर टीम सिलेक्शन में करप्शन के आरोप सही होते तो विराट कोहली आज टीम इंडिया के कप्तान नहीं होते। चौहान ने कहा है कि एसोसिएशन केजरीवाल और कीर्ति आजाद पर डिफेमेशन का केस दर्ज कराएगा। उपचुनाव में फिक्सिंग के आरोप पर अजीत जोगी ने दी सफाई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए डील की गई एक ऑडियो टेप में अजीत जोगी, उनके बेटे अमित जोगी और मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद के बीच हुई बातचीत है। हालांकि इसे अजीत जोगी ने मनगढ़ंत और झूठा बताते हुए उसके खिलाफ अदालती कार्रवाई की बात कही है। तमिलनाडु में पुतला फूंकते वक्त सीएम की पार्टी के 3 वर्कर झुलसे। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में विरोध प्रदर्शन के दौरान विरोधी पार्टी के एक नेता का पुतला फूंक रहे AIADMK के वर्करों की धोती में आग लग गई। इस हादसे में मुख्यमंत्री जयललिता की पार्टी के करीब 3 वर्कर झुलस गए। एडवर्टाइजिंग काउंसिल ने कहा, पतंजलि के 2 एड गुमराह करने वाले। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने बाबा रामदेव की पतंजलि के केश कांति तेल और दंत कांति टूथपेस्ट को गुमराह करने वाला बताया। साथ ही कहा कि एड में किए गए दावों की पुष्टि नहीं हो सकती। विलियमसन T20 टीम के कप्तान ब्रैंडन मैकुलम को नहीं मिली जगह। अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली T20 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन कमान संभालेंगे। ऑलराउंडर कोरी एंडरसन की भी चोट से उबरने के बाद टीम में वापसी हो गई है। नए साल का जश्न विदेश में मनाएंगे कई बॉलीवुड सितारे। नए साल पर जहां सुपरस्टार शाहरुख खान अपने परिवार के साथ दुबई में होंगे, वहीं आमिर खान अपनी पत्नी किरण राव के साथ स्विट्जरलैंड में नए साल का जश्न मनाएंगे। नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दैनिक भास्कर.com।